सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो स्विंग होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ लिन को बहुत ही जोरों से एक मुक्का मारता है, जो कि देखते हुए सभी के सभी काफी ज्यादा रन होते हैं। जहाँ पे वो जो फांग यूजिंग होता है वो कह रहा होता है, स्विंग आगे तुमने ये क्या कर दिया है, जो कि देखते हुए जो लिन होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम कमीने तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मुझसे आज नहीं बचोगे। और ये कहते ही वो अपना हथियार उठाता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है और इससे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर मुक्का मारने की, आज तो तुम मरने वाले हो। ये कहते ही वो बहुत ही तेजी से स्विंग के ऊपर अटैक करता है कि तभी वहाँ पे लिटिल स्केलेटन आते हुए उसके बीच आ जाता है और उसके ऊपर अपना स्वॉर्ड टान देता है, जो कि देखते हुए वो अपने उनमें कह रहा होता है, आखिर ये यहाँ पे कब आया। तभी पीछे से ली स्विंग के ऊपर अपना डैगर रख देता है और उससे कह रहा होता है, अपने एस्टल पैड को अपने हथियार को नीचे करने के लिए कहो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो ये सुनते हुए स्विंग उससे कह रहा होता है, सबसे पहले लिन को अपना हथियार नीचे रखने के लिए कहो, तभी मैं नीचे रखूंगा। और ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जिसे देखते हुए फांग यूजिंग काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, स्विंग शांत हो जाओ और तुमने उसे क्यों मारा है। तो ये सुनते हुए स्विंग उससे कह रहा होता है, ये तुम मुझसे जाके पूछो, वो बार बार मेरे रास्ते में आ रहा था तो इसलिए अब मुझे ये फील करना चाहिए और इसकी वजह से तुम लोग मुझे ब्लेम मत करना। तो ये सुनते हुए वो जो ली होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने उनमें कह रहा होता है, उसका तो मारने का इरादा ये काफी ज्यादा मजबूत है, क्या ये हम सबको अकेला ही मार सकता है। तो दूसरी तरफ वो जो लिन होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और चिल्लाते हुए स्विंग से कह रहा होता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तभी फैन लिन मोकोंग से कह रहा होता है, मोकोंग ये स्विंग की गलती है तो मैं उसकी ओर से तुमसे माफी मांगता हूँ, तो प्लीज ये सब बंद करो, तुम्हारा जो नुकसान हुआ है मैं इसे भर दूंगा, तो प्लीज मेरे खातिर ये सब मत करो और अपने काम पे ध्यान दो। तभी फांग यूजिंग कह रहा होता है, हाँ स्विंग इस जंगल में अपने साथियों के साथ लड़ाई करना ये बेकार हो सकता है, हम सब यहाँ पे मारे जा सकते हैं। तो स्विंग कह रहा होता है, अरे हाँ कि अभी मुझे नीचे रहना चाहिए, वैसे भी इस व्यक्ति से छुटकारा पाना ही बेहतर है। जिसकी बात सुनते हुए जो लिन होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है, ठीक है मैं भी चुप बैठ जाता हूँ, अभी के लिए मैं तुम लोगों की बात सुनूंगा लेकिन जब मैं अपने बेस पर वापस लौट जाऊंगा तो मैं इसे निपट लूंगा। तभी स्विंग ली से कह रहा होता है, मैं इस ऑपरेशन को चार्ज करूंगा तो वाइस कैप्टन आप क्या सोचते हैं। तो उसके बाद सुनते हुए ली अपने उनमें कह रहा होता है, अगर हम सच में यहाँ पे लड़ाई करते हैं तो हम लोग काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो क्या उन्होंने ये समझ लिया है कि अभी के लिए हम सिर्फ मिशन पे ध्यान दें। और वो उससे कह रहा होता है, मैं सिर्फ कैप्टन के ऑर्डर लेता हूँ, तो ये तुम मुझसे मत पूछो। तभी फैन स्विंग से कह रहा होता है, स्विंग ये एक अच्छी बात है कि तुम्हारे पास ड्राइव है, लेकिन अगर तुम कोई और समस्या खड़ी करते हो तो मैं हमारी पकड़ से बाहर होने नहीं दूंगा, क्या तुम समझ गए हो। और फैन स्विंग के कान पे धीरे से कह रहा होता है, मैं कह सकता हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, बस इसके लिए शांत हो जाओ, मैं इसके साथ ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लिन मोकोंग इन सारी चीजों को इतनी आसानी से जाने देगा, तो ध्यान रहे अपने रास्ते पे ध्यान देना, ये शायद कोई गंदा खेल खेल सकता है, तो सावधान से रहना। तो ये सुनते हुए स्विंग कह रहा होता है, ठीक है मैं बिल्कुल समझ गया। तभी उनके ऊपर से एक बड़ा सा स्टार गुजरता है, जो कि देखते हुए सभी के सभी काफी ज्यादा रन होते हैं। जहाँ पे फैन कह रहा होता है, लगता है आगे कुछ न कुछ हो रहा है, हमें जल्दी से आगे जाके देखना पड़ेगा। आगे हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से बच के भाग रहे होते हैं। जहाँ पे वो जो लड़का होता है वो उस लेडी को उठाते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है, मुझे छोड़ दो और अपनी जान को बचाओ। देखते है कि उनके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है और उस मॉन्स्टर से उनके पेट लड़ रहे होते हैं। तभी वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो उनके ऊपर मेटल चॉक अटैक करता है, जिसकी वजह से इसका असर उन दोनों इंसानों पर भी पड़ता है, जो कि देखते हुए वो लोग कहने लगते हैं, आखिर ये क्या है, लगता है ये एक मेटल शॉक है। और इसी अटैक की वजह से उनके जो सारे पैड होते हैं वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं, उसी के साथ साथ वो दोनों भी हिल नहीं पा रहे होते हैं। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो उनके ऊपर अटैक करता है अपने बड़े बड़े नुकीले कांटों से, लेकिन तभी अचानक से वो जो बड़े बड़े कांटे होते हैं उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उनके सामने स्विंग की टीम आ जाती है, जो कि देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो। उनके पास आते हुए फैन कह रहा होता है, हम ब्लैक वुल्फ वॉरियर है, हमने अभी अभी आपका SOS देखा था, मतलब SOS सिग्नल देखा था। जो कि सुनते हुए वो जो लड़का होता है वो कह रहा होता है, ठीक है ये सही है तुम लोग यहाँ पे आ तो गए, लेकिन ये जो मॉन्स्टर ये काफी ज्यादा पावरफुल है, वो एक स्केलेटन डेविल है जो कि हमें मारने की कोशिश कर रहा है। तभी वो फैन देखता है कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो पहले अटैक कर चुका है, जो कि देखते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तेरी की इसने तो पहले से ही अटैक कर दिया है। एंड इसे ऐसे हमला करते हुए देख सभी के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग कहने लगते हैं जल्दी से हमें यहाँ से चलना होगा, और वो लोग जल्दी से जल्दी उन दोनों को उठाने लगते हैं। तभी अचानक से वो जो मॉन्स्टर होता है वो उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से स्विंग और वो दूसरी लड़की वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने पैरों से उन दोनों को कुचलने वाले होते हैं कि तभी अचानक से ली वहाँ पे अपने ड्रैगन को लेते हुए आ जाता है और उन दोनों को अपने साथ ले लेता है। ये सब देखते हुए ली शक की निगाहों से स्विंग की तरफ देखता है और अपने मन में कह रहा होता है, अभी ये जो बंदा ये मरने वाला था, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी घबराया नहीं है। तभी स्विंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वाइस कैप्टन हमें एक फ्लैट जगह में ले जाओ, हम लोग यहाँ पे इस स्केलेटन डेविल का कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग इसे एक फ्लैट जगह में ले जाए तो ये थोड़ा सा
धीमा हो जाएगा। फैन उन दोनों नए लोगों से कह रहा होता है, हमने रास्ते में आते समय बहुत सारे मरे हुए इंसान और उसके साथ साथ जानवरों को देखा, तो क्या तुम्हारी टीम में केवल तुम दोनों ही जिंदा बचे हो? तो ये सुनते हुए वो बंदा कह रहा होता है, हाँ, और मेरा पिछला पेट वो भी अभी भी मारा गया। तो वो दूसरी लड़की कह रही होती है, मेरी सेक्रेट फ्लेम बर्ड वो शायद अभी भी फाइट कर सकती है। उसकी बातें सुनते हुए वो जो फैन होता है वो उस बर्ड की तरफ देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है, क्योंकि वो जो बर्ड होता है वो काफी ज्यादा घायल होता है। देखते हुए वो कह रहा होता है, लेवल 8 का एस्ट्रल पेट काफी ज्यादा पावरफुल है और इससे सेक्रेट फ्लेम बर्ड ये लड़ नहीं सका, लेकिन ये इतनी ज्यादा सीरियस रूप से घायल कैसे हो सकती है? ये तो काफी ज्यादा घायल है, लगता है ये अभी लड़ नहीं सकती। इस स्केलेटन डेविल की पावर लगभग लेवल 9 के आसपास होगी। दूसरी तरफ सुपिंग उस डेविल को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है, इस स्केलेटन की बॉडी के लगभग हर पार्ट ये हड्डियों से ढके हुए हैं, तो मेरा बेबी स्केलेटन अपने स्लैश से इसके हड्डियों को तोड़ नहीं सका, मुझे अभी भी इनकी सहायता की जरूरत है। इससे गुजरने के बाद मैं लिन मोकोंग के पास वापस आऊंगा। तभी वो जो दूसरा बंदा कह रहा होता है, मेरे पास एक सुझाव है दोस्तों, अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो हम लोग जाएंगे, तो इसलिए हमें अपने सारे के सारे पेट यहाँ पे पीछे छोड़ देना चाहिए, ताकि उससे हमारे पास कुछ समय बच जाए और हम लोग बच सके। तो अब क्या तुम चाहते हो कि मैं एक और कुर्बानी दूँ? तो ये सुनते हुए वो जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है, हमारे यहाँ से निकलने के बाद मैं यही चेंशान आपका नुकसान का भरपाई कर दूंगा, मैं आपको इससे भी ज्यादा दूंगा और मैं अपने बातों का पक्का हूँ, मैं ये जरूर करूंगा। तो ये सुनते हुए फैन का ऑफिस ज्यादा रन होता है और उससे कह रहा होता है, क्या यही चेंशान, क्या तुम वही हो जो की बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो की गोल्ड मेडल एक्सप्लोरर है? जो की सुनते हुए लिन काफी गुस्से से कह रहा होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैंने अपने एस्ट्रल पेट को विकसित करने में काफी ज्यादा मेहनत की है और मैं इन्हें इतनी आसानी से खोने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनते हुए फैन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डान और ली यांग तुम लोग कुछ समय के लिए अपने पेट को यहाँ पे छोड़ दो, ताकि हम लोगों को कुछ समय मिल सके और हम लोग यहाँ से बच के भाग सके, नहीं तो हम सब यहाँ पे मारे जाएंगे। तो ये सुनते हुए ली कह रहा होता है, क्या तुम लोगों ने ये सुना है, हमें जिंदा रहने के लिए कोई योगदान देना पड़ेगा। तो ये सुनते हुए डांग और फांग ह्यूजिंग दोनों ही सोचने लगते हैं। तो दूसरी तरफ सुपिंग बिना सोचे समझे वहाँ से कूद जाता है और अपने पेट को समन करता है। ये देखते हुए फांग ह्यूजिंग काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, सुपिंग ये तुम क्या कर रहे हो? तो दूसरी तरफ लिन ये सब देखते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, बेवकूफ लगता है ये हीरो बनना चाहता है, तो ठीक है तुम यहाँ पे अकेले मरने का मजा लो, मैं दूसरों को तुम्हारी मदद करने के लिए वापस नहीं आने दूंगा। तभी वो सभी देखते है कि उनके नीचे से बहुत सारे स्केलेटन बाहर निकल रहे होते हैं, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं, क्या आखिर ये क्या हो रहा है? और तभी चारों तरफ से धरती से वो स्केलेटन बाहर निकलते हैं, जो कि देखते हुए वो लोग कह रहे होते हैं, नहीं लगता है हम लोग चारों तरफ से घिरे जा चुके हैं। और वो बड़े बड़े स्केलेटन एक जगह ही खड़े होते हैं, जो कि देखते हुए फैन काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, आखिर ये लोग हिल क्यों नहीं रहे हैं, क्या ये लोग हमारे लिए नहीं आए हैं? और हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे स्केलेटन सुपिंग के हैं, जहाँ पे वो बेबी स्केलेटन इस टेक्निक का यूज करता है, जिस टेक्निक का नाम डेड सोल एनस्लेवमेंट होता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।